सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा, हम बच्चों को वरदाने मूर्त बनाने वाले बाबा आज कह रहे हैं, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिट जाएगी, सर्व गुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। साथ में बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों को, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई, और जो पढ़ाई है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मैनर सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शोक पड़ता है कि वो कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। मतलब मेन मुख्य कारण है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, इसलिए थक जाते हैं। तो बाबा आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। भगवान बाबा जी बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवताओं को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता, परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वो आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परम धाम का निवासी हूं, मैं यहां इस शरीर में आकर कहता हूं कि तुमको याद वहां करना है जहां अब जाना है। ऐसा नहीं यहां याद करना है, मैं यहां आया हूं तुम बच्चों का बुद्धियों को वहां लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परमधाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमगुणी दुनिया में कोयों के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं, कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे, कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, उनके लिए समझाया जाता है यह बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीन प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए, यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करके आए, बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम देवी चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मम्मा बाबा बा अनन्य बच्चों
मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ो, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों भूत बहुत खराब हैं, क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, ये बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती है इसलिए कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकता। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया एकदम कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी दिखी है, परंतु परमधाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले नहीं जा सकते, ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते। मनुष्य आने जाने के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बराबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिनसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वो राजाओं का राजा लक्ष्मीनारायण बने। और तुम बच्चे जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर के मालिक बन रहे हैं। आगे तो कृष्ण का राज्य था, अब फिर यह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक हैं। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, गीता में भी है भगवान उवाच, कहते हैं बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूं। जोज वरिष्ठ आदि तो बन रहे हो, मैं तुमको स्वर का मालिक फिर से बनाने आया हूं। मैं हूं स्वर का रचयिता, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चे को स्वर का मालिक बनाता हूं। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो, यह खेल ही ऐसा है, माया ने दुर्भाग्यशाली बनाया था, अब तुम सौभाग्यशाली बन रहे हो। नंबर तो है कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%, जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। तो बाबा कहते हैं बार बार हम बच्चों को समझाते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे गर्भ जल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे फिर बाहर निकलने से जैसे कि वैसे बन जाते हैं। यहां बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है, नंबर वार है, पता लग जाता है ये गड़ली बुलबुल है वा नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं गोडली बुलबुल बन बाप का नाम मला करना है, ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है, कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं, श्रीमत पर सदा चलना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्ध स्वरूप हो। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वो सिद्ध स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले 100 के प्रति करो, तन की विधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मिठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर मन पर संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्ध स्वरूप बनो।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं प्रयोगी आत्मा शुभ संकल्प धारी संपूर्ण सिद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्व गुणों का भंडार सर्वशक्तिवान परम पिता की याद में रहना है कि परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर जैसे आकाश में तारे चमकते हैं 24 घंटे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।